हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वाला बॉर्डर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने बाजू के लिए ये बॉर्डर बनाया हुआ है 45 फंदों पे। तो आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे कि मैंने बॉर्डर पे ये डिज़ाइन कैसे डाला है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पहले जब से हम इसे हम बनाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी वीडियो नहीं मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और साथ में कमेंट शेयर भी कर दें। तो हम इस वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो आइए ये डिज़ाइन बनाते हैं हम। तो पहला फंदा हम ऐसे उठा लेंगे और तीन फंदों को हम एक कर देंगे। पहले शुरू में से हम थोड़ा ढीला कर लेंगे ये तीनों फंदों को। इस तीन का एक कर देंगे। तीन का एक कर दिया। अब ये एक फंदे का हम तीन बना लेंगे। पहले उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ये तीन फंदे बना लिए एक पर हमने। ये तीन फंदों का एक बना लिया और एक पर तीन। फिर दोबारा से हम तीन फंदों का एक कर लेंगे। फिर दोबारा से एक फंदे का तीन बना लेंगे। एक, ये दो और ये तीन। तीन फंदे हमने बना लिए एक के। फिर दोबारा से हम तीन फंदों को हमने इसी सिलाई को, मतलब इसी डिजाइन को हमने हमारे बॉर्डर में बुनते जाना है। ये एक सिलाई ही पूरे बॉर्डर में हमने बनानी है। ये तीन का एक कर दिया हमने, अब एक का तीन। अब तीन का एक कर लेंगे। ये तीन का एक कर देंगे। एक का हमने तीन किया, अब तीन का एक कर देंगे। पहली सिलाई थोड़ी हार्ड सी बनेगी, उसके बाद सही बनने लग जाएगी। ये तीन का हमने एक कर लिया, अब हम एक का तीन कर लेंगे। एक, फिर ये दो और ये तीन। तीन फंदे हो गए, अब हम तीन का एक कर लेंगे। और एक का फिर हम तीन कर लेंगे। मतलब एक फंदे का हमें तीन करना है और तीन फंदे को हमने एक करना है। ये पूरी रो ही हमारी ऐसी ही चलेगी।
और ये पूरी सिलाई निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। उल्टी सिलाई हमारी सारी ही उल्टी ही निकलेगी, जितने भी हम सिलाई बनाएंगे तो उल्टी ही बनाएंगे। तो ये उल्टी पूरी सिलाई निकाल के मैं आपको बता देती हूँ। फिर आगे तो पहली सिलाई हमारी ऐसी बनी है, देखिए ये तीन हमने एक तीन का एक बनाया, यहाँ पे एक का तीन बनाया, ऐसे बनाया है। अगर हमने यहाँ एक का तीन फंदों को एक बनाया है तो हमने यहाँ पे एक फंदों को तीन बनाया, तो हमारे यहाँ बढ़ गए फंदे, घटे कहीं भी नहीं है, एक तरफ घट रहे हैं एक तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे हो रहा है ये। तो अब हम पहले हमने तीन का एक फंदा बनाया था, अब इसके ऊपर हम एक फंदे पे तीन बनाएंगे, हम उल्टा हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक पे ये तीन फंदों पर एक बनाया था, यहाँ पे एक फंदों पे तीन बनाए थे, तो अब यहाँ तीन पर एक बन जाएगा और एक पर यहाँ पे तीन फंदे बन जाएंगे, हमें ये ध्यान रखना है। अब मैं एक पे तीन बना रही हूँ, और इन तीन फंदों को जो पहले मैंने पहली सिलाई में एक का ये तीन फंदे बनाए थे, अब इसमें तीन फंदों को मैं एक बना दूंगी। ये तीन फंदों का एक, तीन फंदों का एक हो गया। अब ये एक फंदा है इसके हम तीन बना लेंगे। ये हमारी पूरी सिलाई जितने भी हम बॉर्डर बनाएंगे या किसी डिजाइन बना रहे हैं तो उस पे ये ही सिलाई चलेगी, एक सिलाई पे ही ये डिजाइन पूरा बनता जाएगा। और फिर हम तीन का एक कर देंगे। तीन एक का तीन, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पे एक तीन फंद का एक बना रहे हैं तो यहाँ पे एक फंद के तीन बना रहे हैं तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो आगे मैं और आपको बना के फिर मैं थोड़ा सा आपको इतनी चार उंगल के बराबर बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर आपको देखेगा ये डिजाइन बनने में बहुत सुंदर बनेगा, ये आप इतना देख रहे हैं आपको, तो मैं और बना के बताती हूँ आपको। तो ये हमारा डिजाइन बन गया, आप देख सकते हैं इतना प्यारा बना है। तो ये मैंने बॉर्डर बनाया है एक छोटे बच्चे के लिए, बाजू बना रही हूँ मैं, उस पर मैंने ये बॉर्डर बनाया है। थैंक यू।